हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ वाला पास्ता। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आप इस तरीके से इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ 10 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक कटोरी यहाँ पर मैंने पास्ता लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक बर्तन के अंदर पानी चढ़ा दिया है 2 गिलास। इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाला है, जिसमें डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और पास्ता को हम अच्छे से पका लेंगे पानी के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ इसे 7 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे। तो 7 मिनट बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हो, और पानी को अलग कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे बटर। बटर के साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच तेल, आप देख सकते हो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है बटर के साथ में। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। इसी के साथ मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को भी मैंने हल्का सा पका लिया है हरी मिर्च के साथ में, ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है छोटा वाला, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे 40 से 45 सेकंड तक मैंने यहाँ पे टमाटर को भी पका लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता सॉस। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें पास्ता सॉस डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शेजवान चटनी, आप इसे जरूर डालें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें मेयोनीज डाल दिया है। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता का मसाला, यहाँ पर मैंने इसमें 1 पैकेट पूरा पास्ता का मसाला डाल दिया है। ऊपर से मैंने इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। और 1 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये पास्ता, पास्ता को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ में और ऊपर से हम एक चीज की स्लाइस रख देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच छोटा वाला यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाला है टमाटर सॉस। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा पास्ता जो है बनकर के तैयार हो गया है। ऊपर से यहाँ पर मैंने इसे में चीज स्लाइस और रख दिया है। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है ये। आपने अगर एक बार इस तरीके से बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से पास्ता बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you.